हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनी शुक्ला, आईटी ट्रेनर फ्रॉम एंगिरा सॉफ्ट। बच्चों, आज हम आपके लिए ओ लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का M1R5 का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह के प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करना होता है। 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ ए बी सी डी करके आपको पार्ट्स दे दिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं, और उनको स्टेप डाउन करना होता है अपनी नोटबुक पे। एंड 20 मार्क्स का आपका वाइवा रहता है। आपको 3 घंटे का टाइम होता है, हमारे पास बेसिकली काफ़ी टाइम होता है अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो आप स्टेप वाइज अपने क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट डाउन कीजिएगा। तो बच्चों, डिस्कस टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे दिया गया है, टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड सेव इट इन एम्प्लॉय फाइल यूजिंग स्प्रेडशीट टूल। तो स्प्रेडशीट मतलब हम लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करी है लोगों ने। तो हम लोग फर्स्टली लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक फाइल खोल लेते हैं यहाँ पर, और हमारे पास जिस तरह का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसी तरह की एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं वहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है सीरियल नंबर, लिख लेते हैं बच्चों। सेकेंड हमको B1 पे लिखना है नेम, और फिर हमें लिखना है बेसिक पे, और DA, TA, HRA, ग्रॉस पे, सॉरी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, PF एंड नेट अमाउंट। सीरियल नंबर पे बच्चों हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 फिल कर लेते हैं। एंड नेम हमारे पास दिए गए हैं राधा, सेकेंड मोहन, थर्ड नेम दिया गया दिवाकर, फोर्थ नेम दिया है दिव्या, एंड फिफ्थ नेम है हमारे पास आकांक्षा। इनकी बेसिक पे दी गई है 15,000, मोहन की बेसिक पे है 25,000, दिवाकर की बेसिक पे है 10,000, एंड दिव्या की बेसिक पे है 7,000, एंड आकांक्षा की बेसिक पे 8,000 है। बच्चों फिर से हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। हमसे क्या डू द फॉलोइंग्स में कहा गया है। फर्स्टली हमें कहा गया कैलकुलेट द डीए 10% ऑफ बेसिक पे। डीए में हमको बेसिक पे का 10% डीए कैलकुलेट करना है। टीए में हमें 5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए कैलकुलेट करना है, एंड एचआरए हमें 1500 उसमें फिल कर देना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डीए वाले कॉलम में। डीए में हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, ब्रैकेट लगा देंगे, जो बेसिक पे है इसका हमें 10% निकालना है। तो सी टू स्टार लगाते हैं, 10%, 10/100 कर देंगे, सॉरी 100, और इसे बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। ये हमारा डीए कैलकुलेट हो गया बेटा। बेसिक पे का 10% था जो हमें डीए कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, बचे हुए डेटा को ड्रैग कर दिया है। नेक्स्ट हमें टीए कैलकुलेट करना है, ट्रैवल अलाउंसेस। ट्रैवल अलाउंसेस जो है वो बच्चों इन्होंने दिया है 5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, ये कैलक है, स्टार्ट करते हैं टीए पे इक्वल। अब हमें कहा गया है, क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं, हमें कहा गया है TA प्लस DA और 5% ऑफ बेसिक पे इनको निकालना है। तो हम लोग देखिए बच्चों फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो C2 है प्लस D2 इंटू 5 और अपॉन 100 कर देते हैं। ये हमारा टीए ट्रेवल अलाउंसेस
हो गया, नेक्स्ट हम इन्हें ड्रैग कर देते हैं। अगला बच्चों हमें जो कैलकुलेट करना है वो एचआरए है, बट हमें कैलकुलेट नहीं करना, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने कहा है 1500 हमारा एचआरए, तो हम लोग सभी जगह पे 1500 फिल कर देंगे, ड्रैग नहीं करेंगे बच्चों। ड्रैग करने पे डेटा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी में उन्होंने कहा है बेसिक पे पे डीए टीए एचआरए, ये हमको फिल करना है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इन सबको ऐड करना है बेसिकली। तो इक्वल बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीए प्लस, और हमने यहाँ पे बच्चों एचआरए भी ऐड करना है, एंटर कर दिया, ये हमारी ग्रॉस सैलरी बन के आई और इसे हमने ड्रैग कर दिया है। नेक्स्ट हमें पीएफ देखना है, पीएफ क्या दिया गया है, पीएफ बच्चों 2000 दिया गया है, तो हम लोग पीएफ यहाँ पे 2000 फिल कर लेंगे सभी में। यहाँ डन। फिर हमें बच्चों नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस सैलरी से पीएफ को माइनस करना है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस इक्वल का साइन लगा लेंगे, ग्रॉस सैलरी से माइनस का साइन लगाएंगे, सॉरी माइनस, एंड पीएफ इससे माइनस करना है, एंटर कर देते हैं, ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें अपना पूरा प्रॉपर जो टेबल था वो मेंटेन करना था, हमने इसे मेंटेन कर दिया है फॉर्मूले के साथ में। इस टेबल को आप डार्क करना चाहें तो आप यहाँ से उसे डार्क कर सकते, टेबल के फॉर्मेट्स रहते हैं हमारे पास में, तो हम कुछ इस तरीके से और बॉर्डर कर देते हैं इसे, एंड इसको बोल्ड करना है तो हम लोग इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देंगे। अगर आप उसे उस पर कोई कलर डालना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गया है बच्चों। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विद वेरियस फॉन्ट मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 एंड मार्जिन मिनिमम 1.5 इंचेस। तो हमें प्रॉपर एक पेज बनाना है जिसका फॉर्मेट हमें इनके अकॉर्डिंग बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्होंने पूछा भी है, फर्स्ट ए में पूछा है अ बुलेट एंड नंबर लिस्ट एक इंसर्ट करनी है हमें उस पर, अ टेबल कंटेनिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट एड कॉलम हेडिंग राइट। नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है सी का, सी में पूछा गया अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर यूजिंग मीडिया आर्ट गैलरी, ठीक है। डी में पूछा एन एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट वर्क, वो भी हम लोग कर लेंगे, एंड ई में आर हेड ऑफ स्टूडेंट नेम एंड डेट। तो जो भी ये बना रहा है स्टूडेंट्स अपने अपने नाम का हेडर भी लगाना है साथ में यहाँ पे। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हमने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लिया है, यहाँ से हम लोग फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट टैब पे, और फॉर्मेट टैब से हम लोग पेज स्टाइल पे जाएंगे। पेज स्टाइल में हमारे पास पास कुछ इस तरह का टैब ओपन होके आएगा, यहाँ पे बच्चों पेज टैब पे हम लोग आएंगे, पेज टैब पे ऑलरेडी ओपन हो रखा है, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर या कोई और टैब ओपन हुआ हो तो आप पेज टैब ओपन कर लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम लोगों से जो कहा गया है, फर्स्ट उन्होंने मार्जिन सेट करने के लिए कहा गया था, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम हम लोग 1.55 इंचेस यहाँ पे कर लेते हैं, खुद से आप कर सकते हो 1.5, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ले लेंगे 1.5, टॉप भी कर लेता 1.5 एंड बॉटम भी 1.5। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है गटर, गटर मार्जिन वो होता है जहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली हम लोग जो प्रिंटिंग के लिए जो एरिया यूज करते हैं वो गटर मार्जिन होता है। तो या तो हम लोग प्रिंटिंग के लिए लेफ्ट साइड यूज करते हैं या टॉप साइड यूज करते हैं, तो बेसिकली वो है, और यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं, पेज हमारा अकॉर्डिंगली सेट हो चुका है। और अगर और यहाँ पे फॉन्ट साइज इन्होंने कहा था 10 और 12, तो हम लोग मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें जिस तरह की फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज तो पूरी हो गई है, हम यहाँ पे हमने जो इनका फॉन्ट साइज था मिनिमम और मैक्सिमम वो भी कर लिया है, मार्जिन भी कर लिया है, मिनिमम इतना करना था। अब हम लोग शुरू करते हैं बुलेट और नंबर लिस्ट लगाना, तो अपने अकॉर्डिंगली और लगा हुआ है तो हम या तो बुलेट या नंबर लिस्ट जो भी चाहते हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं। बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए
हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले। एक तो बच्चों यहाँ पे दिया गया रहता है हमारे पास में बुलेट लिस्ट, और यहाँ पे हमारे पास नंबर लिस्ट दी गई होती है। इन्हें हम लोग ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। जो जिनमें हम लोग बुलेट्स लगाते हैं वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जिनमें हम लोग 1 2 3 4 या ABCD या रोमन में 1 2 3 4 लिखते हैं वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो हम लोग यहाँ से बुलेट लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी डेटा इंसर्ट कर देते हैं, एप्पल, जैसे हम फ्रूट्स के नेम इंसर्ट करते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ग्रेप्स। तो ये हमारे कुछ फ्रूट्स के नेम इंसर्ट हो गए। हम इनको प्रॉपर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग जो भी हमारे पसंद का कोई भी हम लोग बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं या फिर नंबर लिस्ट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमने इंसर्ट कर लिया, नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं हमें क्या करना था। सेकेंड हमें करना है अ टेबल कंटेनिंग नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट एज कॉलम हेडिंग। तो हमें एक टेबल बनानी है और उसमें जो उसकी कॉलम हेडिंग्स होती हैं, फर्स्ट हेडिंग हमें नेम, सेकेंड एड्रेस, थर्ड बेसिक पे, फोर्थ डिपार्टमेंट, ये चार हमें हेडिंग्स बनानी है। तो बेसिकली हमें एक टेबल इंसर्ट करनी है यहाँ पे। टेबल इंसर्ट करने के लिए बच्चों हम लोग टेबल टूल पे जाते हैं, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे चार कॉलम्स चाहिए थे और हम कुछ 2 या 3 रोज ले लेते हैं यहाँ पे, और टेबल का स्टाइल ले लेते हैं, डिफॉल्ट टेबल स्टाइल। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट हमें चाहिए था नेम, सेकेंड हमें चाहिए था एड्रेस, थर्ड हमें चाहिए था बेसिक पे एंड फोर्थ हमें चाहिए था डिपार्टमेंट। बेसिकली ये टेबल हेडर था तो हम इसे हेडर के जैसे बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, एंड इससे हम सेंटर मार्जिन कर लेंगे, ओ सॉरी सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी डेटा फिल कर देते हैं, जो अभी हमने पिछले टेबल पे फिल किया था, मोहन एंड राधा। एड्रेस हम लोग डाल देते हैं दिल्ली एंड लखनऊ। बेसिक पे इनकी है 25,000 और इनकी बेसिक पे हम लोग कर देते हैं 28। इनका डिपार्टमेंट कर देते हैं हम लोग केमिस्ट्री। अगेन मुझसे केमिस्ट्री की स्पेलिंग गलत होगी, एंड फिर हम इनको कंप्यूटर टीचर को देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टेबल बन के भी प्रिपेयर हो गई है। थर्ड हम लोग देखते हैं, सी में दिया है अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर यूजिंग मीडिया आर्ट गैलरी। तो हम लोग यहाँ पे मीडिया आर्ट गैलरी से एक कंप्यूटर की पिक्चर इंसर्ट करनी है हमको। तो हम लोग देखते हैं तीसरा हमें कैसे करने का। यहाँ पे बच्चों हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमने ये बनाया था, ओके मीडिया आर्ट गैलरी के लिए हमें सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब के अंदर हमें जाना है मीडिया पे, मीडिया के बाद हमें जाना है गैलरी में। बच्चों फिर से देख लीजिए, हमें जाना है इंसर्ट टैब पे, मीडिया, मीडिया के बाद गैलरी में, और यहाँ पे हमारे पास एक गैलरी आपके राइट हैंड पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस ओपन होके आएंगे। ये हमारी गैलरी है और यहाँ गैलरी में हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, क्लिप आर्ट्स की तरह। तो आप लोग यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। और हमारे पास कंप्यूटर का एक्चुअली मुझे नहीं लग, यस हमारे पास पिक्चर्स हैं कंप्यूटर के, तो हम लोग यहाँ से उठा के पिक्चर ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। बाकी आप इनको अपने हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा चाहिए होता है या फिर जहाँ पे आपको इन्हें इंसर्ट कराना है आप वहाँ पे उसे इंसर्ट करा सकते हैं। बेसिकली हम फिर से बता देते हैं, आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, फिर हमें मीडिया पे जाना है, मीडिया के बाद गैलरी पे जाना है, और इस तरह के हमारे पास कुछ गैलरी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे जिस कुछ क्लिप आर्ट्स रहते हैं हमारे पास बने बनाए बहुत सारे हैं, यहाँ पे डायग्राम्स चाहिए होते तो हम लोग यहाँ से डायग्राम्स इंसर्ट कर सकते हैं। खैर उन्होंने हमसे कंप्यूटर के लिए पूछा था तो हमने कंप्यूटर इंसर्ट करा लिया। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग बच्चों अपने अपने नाम का फॉन्ट वर्क कर सकते हैं या कुछ भी ऐसा सा इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर को यहाँ कॉर्नर में पेस्ट कर देते हैं।
एंड फोन बग के लिए बच्चों हमें जाना होता है इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद हमें जाना है फॉन्ट वर्क में, और यहाँ पे हमारे कुछ स्टाइलिश फॉन्ट वर्क्स हैं जो हम लोग चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ये और ओके कर देते हैं। ये हमारा फॉन्ट वर्क बनके तैयार हो गया है। इसे हम लोग कर्व भी कर सकते हैं अपने तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा अ हेडर ऑफ हेडर विथ स्टूडेंट नेम एंड डेट। तो एक हेडर हमें और इंसर्ट कराना है। हेडर इंसर्ट कराने के लिए या तो हम लोग इंसर्ट ऐप पे जाते हैं, या तो हम लोग बेसिकली अपने पेज के आप साइड पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कर देते हैं, हमारे पास हेडर ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है तो हम लोग स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। फिलहाल मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देती हूँ। इंटीरियर सॉफ्ट इंडिया और बच्चे इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। सो हमारा हेडर लग के तैयार हो गया है, इसको नोट कर देते हैं। और आज की डेट भी, जो भी डेट आपको चाहिए होगी वो डेट भी आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आज इंसर्ट कर रही थी 21 जनवरी 2023। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे पूछा है बिलो अ गिवन अ लेटर एंड सम एड्रेसेस दिस लेटर इज टू बी सेंड टू ऑल दीज एड्रेस यूजिंग मेल मर्ज। तो हमें बेसिकली एक लेटर बनाना है मेल मर्ज के थ्रू, और ये हमारे पास एड्रेस दिया है और ये लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। मेल मर्ज बच्चों वैसे तो इस पर पूछा नहीं गया है कि हमें, इन्होंने कहा नहीं है हमें लिब्रे ऑफिस राइटर पे बनाना है या फिर हमें वर्ड पे बनाना है, बट वर्ड पे तो ईजी होता है, हम लोग क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने लिब्रे ऑफिस में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस में करके दिखाऊंगी कि लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं लिब्रे ऑफिस का। यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करा लेंगे हमारा डेटा, जो भी डेटा हमें मेल मर्ज के लिए चाहिए था, तो या जिस तरह का फॉर्मेट उन्होंने हमसे पूछा हुआ है लेटर में वो हम इंसर्ट करा लेंगे। तो लेटर में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और एंटर करा है कुछ टैब देके। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर बनाए दे रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे वो इंसर्ट कराना है नेम एंड वन मोर प्लेस होल्डर। यहाँ पे मुझे एड्रेस इंसर्ट कराना है एड्रेस। फिर डियर और यहाँ लिखना है मुझे यू यू आर एडवाइज टू अपीयर डेट कुछ भी कुछ हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पे एट नाइन विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। योर सिंसियरली एबीसी लिमिटेड और यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल
8 7 न्यू दिल्ली। तो ये लेटर हमने टाइप कर लिया है। इस लेटर को टाइप करने के बाद सबसे पहले बच्चों हम लोग जाएंगे टूल पे। टूल से हम लोग मेल मर्ज विजार्ड पे जाएंगे। मेल मर्ज विजार्ड पे जाने के बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स ओपन होके आते हैं और हमें बेसिकली उन स्टेप बाय स्टेप ही पूरा उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द मेल मर्ज और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसे ही यूज करना चाहते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी टेम्पलेट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों हमने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया है उसी के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वॉन्ट टू क्रिएट। तो फिलहाल हमें लेटर क्रिएट करना था तो हम लोग लेटर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड इसे नेक्स्ट कर देंगे। थर्ड पे हमारे पास आता है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे हमें इंसर्ट करने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे मोर पे। मोर पे जाने के बाद बच्चों हमें जाना है न्यू पे, सॉरी नॉट दिस वन, हमको जाना है मोर पे एंड न्यू। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट से और यहाँ पर हम एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू उन्होंने जैसे हमें कहा है। हम इसे कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नाम और कॉलम्स दिए गए हैं पर हमें जितनी जरूरत है हम उस तरह का डेटा रखेंगे। फर्स्ट हमें टाइटल का जरूरत नहीं है तो हमने नहीं रखा है। सेकेंड हमें लास्ट नेम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम हमें चाहिए था हमने रख लिया। कंपनी नेम भी हमें नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन 1 हमें चाहिए, सेकेंड लाइन हमें नहीं चाहिए एंड बाकी हम इन्हें डिलीट कर देते हैं एंड इसे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेम और एड्रेस इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला नेम हमारे पास दिया गया है अमित और इनका एड्रेस लिखा है हाउस नंबर 424 सेक्टर 8D लाजपत नगर न्यू दिल्ली। और यहाँ पे हमें जितने भी एड्रेस ऐड करने चाहिए होंगे वो हम लोग न्यू करके ऐड करते रहेंगे। सेकेंड नेम हमें चाहिए था रोहित, रोहित का एड्रेस है हाउस नंबर 444 सेक्टर 125C चंडीगढ़ न्यू। अगला एड्रेस ऐड कर लेंगे ऐसे ही हम लोग। अगला एड्रेस है हमारा ज्योति, ज्योति का एड्रेस ऐड कर लेंगे हाउस नंबर 550 सेक्टर 16A गोमती नगर लखनऊ। ये जब हम लोग एड्रेस सारे ऐड कर लेंगे उसके बाद हम लोग ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग किसी भी नाम से एड्रेस अपना जो है बनाया हमने लिस्ट उसको सेव कर देंगे, यहाँ से उसे चूज करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे मोर पे। दिस डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोगों को न्यू पे जाएंगे। जो जो चीजें हमने बनाई थी हम लोग उसे ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम उन्हें ऐड करेंगे एड्रेस एलिमेंट्स को हमें यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा।
अगर हम कुछ इस तरह का ऐड करते हैं जो वहाँ नहीं बना हुआ है, तो ये यहाँ पे शो करता है नॉट येट मैच, और हमें ये मैच कराना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये लास्ट नेम हम हटा देते हैं, बाकी हमने ऐड किया था वहाँ पे एड्रेस लाइन, और इसको हम लोग इनकी मदद से नीचे कर सकते हैं। ओके कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ से भी ओके करा है। फिर हम लोग मैच फील्ड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये सब मैच्ड है, इसको हमने ओके कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमें सल्यूटेशन बनाने होते हैं। फिलहाल हमें कुछ नहीं बनाना है, तो हम इसे नेक्स्ट ही कर देते हैं। और फिर हमें लेआउट करना होता है। लेआउट का मतलब ये होता है कि हमें अब जो भी हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो हम कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो बॉक्स है बच्चों, ये हमें अपने अकॉर्डिंग, ये मैंने प्लेस होल्डर बनाया था, तो इसी प्लेस होल्डर के पास में मुझे इसका बॉक्स चाहिए था, तो वो ऑलरेडी ऐड हो रखा है उसी के पास में। ये हमने कर दिया, और उसके बाद हम इसे फिनिश कर देंगे। ये जो प्लेस होल्डर था इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। और यहाँ के जो स्पेसेस एक्स्ट्रा थे उनको भी मैं हटा देती हूँ। ओके, ये हटे। उसके बाद फिर हम लोग बच्चों यहाँ पे आते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। और जैसे ही हम लोग एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे, हमारे लेटर्स बन के तैयार हो जाएंगे। हमने यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर दिया, और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो गए। सारे लेटर्स लिखा हुआ टू अमित, फर्स्ट ये अमित का था, सेकंड हमारा जो लेटर था वो हमने टाइप किया था रोहित के लिए, जो यहाँ पे टाइप हो रखा है रोहित के लिए। एंड थर्ड हमारा लेटर जो टाइप करना था वो हमने ज्योति के लिए टाइप किया था, और ये तीनों लेटर्स हमारे यहाँ पे टाइप हो गए हैं। बच्चों इस तरीके से हमें मेल मर्ज करना पड़ता है, सेम वैसे ही है जैसे हम लोग वर्ड पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेल मर्ज आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पे कराया गया है। बाकी आपको इसके रिटर्न सोल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम पर और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, अपने सिस्टम पे इसे अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।